नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। बालाघाट जिले के बिरसा थाना पुलिस ने एक मानसिक रूप से विक्षिप्त युवती के साथ दुराचार कर उसकी हत्या करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दुराचार के बाद आरोपी ने बदनामी के डर से युवती का गला दबाकर हत्या कर दी थी और साक्ष्य छुपाने की दृष्टि से शव को घास फूस में ढककर एक किसान के खेत के तालाब में फेंक दिया था। आपको बता दें, बिरसा पुलिस ने माने गांव के रहने वाली एक 21 साल की मानसिक रूप से कमजोर युवती का शव मंगलवार को बरामद किया था, जो अर्ध नग्न हालत में था, जिसके साथ दरिंदगी कर आरोपी ने उसकी हत्या कर दी थी। इस संदेह कत्ल का पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी माने गांव निवासी दुखू विश्वकर्मा नामक अधेड़ को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पूछताछ में अपराध करना स्वीकार किया। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदुस्तान टुडे। थाने पे सूचना प्राप्त हुई थी कि एक लड़की जो है उस द्रौपदी बाई उसका शव जो है वहाँ पे रमगढ़ी रोड पे तालाब के मतलब एक डबरी में पड़ा हुआ है नग्न अवस्था में। तो हमारे द्वारा मौके पे जाके उसका निरीक्षण किया गया। निरीक्षण से और मृतिका की शव को देखने से ऐसा प्रतीत होता था कि उसके साथ गलत काम करके उसका मर्डर किया गया है। तो इसी पर से थाने पे अपराध कायम किया गया था। अपराध की विवेचना के दौरान वहाँ पे घटनास्थल पर मिले भौतिक साक्ष्यों के आधार पे और कुछ साक्ष्यों के आधार पे एक संदेही को पकड़ा था, जिसका नाम है दुक्कू विश्वकर्मा, है ना। उम्र 60 साल की है, ये मानेगांव के ही रहने वाला है। इसे गिरफ्तार किया गया है, उसके द्वारा अपना जुर्म स्वीकार किया गया है। वो जुर्म उसी आधार पे मृतिका के कपड़े भी उसी से जब्त किए गए हैं और उसे आरोपी को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय बैयर में पेश किया।